नमस्कार, मैं जनभक्त सुयोम गौतम। और बड़ी खबर आ रही है कि फिर से पाकिस्तान को झटके पर झटके आज लग रहे हैं। पहला झटका यूरोपियन यूनियन के स्ट्रासबर्ग यानी कि फ्रांस में जो बैठक थी उसमें लगा, जब कई सांसदों ने एक सुर में कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और भारत में आतंकवादी भेजने का काम करता है। इसको लेकर पोलैंड के सांसद रिचर्ड जार्नेकी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके अंदर जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती है, ये आतंकवादी कहीं भी चांद से नहीं आते हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क से आते हैं और इस मुद्दे पर हमें भारत का साथ देना चाहिए। इसके बाद इटली के सांसद फुल्वियो मर्तुसुइलो ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देता है और वो इसका धमकी ये धमकी भारत को भी दे रहा है और पाकिस्तान की वजह से यूरोप में भी तमाम आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, इसलिए हमें कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर। कई सांसदों ने यूरोपियन यूनियन में ये बात उठाई और ये पहली बार था 11 साल में जब कश्मीर मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन की संसद में बहस हुई और उस बहस में सभी सांसदों ने एक सुर में पाकिस्तान को बड़ी लताड़ लगाई और पाकिस्तान की पोल खोली। पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, लेकिन एक और झटका पाकिस्तान को तब लगा जब भारत के विदेश मंत्री ने कल ये कहा था कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और हम इसको जल्द ही निकट भविष्य में अपने देश का अंग देश में मिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी चिंता जताई और पाकिस्तान ने यह कहने की कोशिश की कि ऐसा करके भारत के विदेश मंत्री ने एक भड़काऊ बयान देने की कोशिश की है जो कि ठीक नहीं है और इससे तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील कर रहा है कि भारत ऐसे भड़काऊ बयान देकर अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहा है, अपनी सीमाओं को लांघ रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि यूएन में भी 1948 में एक रेजोल्यूशन पास हो रखा है जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान दरअसल पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए एक नाटक करता है और कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहकर दिखाता है, लेकिन उसको अपने नक्शे का हिस्सा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा है और पीओके से कई गुना बड़ा हिस्सा है, उसको वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाता है, जो सबसे बड़ा उसका झूठ है और इस झूठ को लेकर भारत उसको बेनकाब करने में लगा हुआ है और इस झूठ पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में ब्रिटेन के भी कई संसद लगे हुए हैं। उससे पहले ब्रिटेन की एक संसद ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान को ये हिस्सा भारत को वापस करना चाहिए। वही बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान को मिर्ची एक और बात से लगेगी क्योंकि अमेरिका के 44 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि भारत से जो जीएसपी कंट्री का दर्जा छीना गया था जून में, उसको अब भारत को वापस करने की जरूरत है क्योंकि इससे अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा है और भारत हमारा मित्र देश है, इसलिए भारत को जीएसपी के अंदर दोबारा से लाया जाए। जीएसपी दरअसल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक सिस्टम है जो अमेरिका ने 123 देशों को दे रखा है। इन देशों का अगर कोई सामान अमेरिका में निर्यात किया जाता है यानी एक्सपोर्ट किया जाता है तो अमेरिका में उन पर कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगता है, तो उससे जो निर्यातक होते हैं उनको फायदा होता है और वो आसानी से अपना सामान अमेरिका में बेच सकते हैं। लेकिन पिछले जो जून थी, जून में अमेरिका ने भारत से ये दर्जा वापस ले लिया था और इसकी वजह से भारत को तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को 2017 में जीएसपी के तहत भारत ने $5.7 अरब का निर्यात किया था। इसी वजह से 44 सांसदों ने इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से गुहार की है
और उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन इस मुद्दे पर भारत का जो जीएसपी दर्जा है उसको बहाल कर देगा। इससे पहले अर्जेंटीना, लाइबेरिया और म्यांमार के साथ भी अमेरिका ने ऐसा जीएसपी से उन्हें बाहर किया था, लेकिन बाद में उनको ले लिया गया। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ह्यूस्टन में मोदी और ट्रंप की एक संयुक्त रूप से सभा होने वाली है, और उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये है कि इमरान खान का दौरा कराया जा रहा है अमेरिका में, और उस दौरान अमेरिका में इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से दो बार मिलने की कोशिश करेंगे, एक बार लंच पर और एक बार हाई टी के समय। लेकिन उम्मीद नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं, क्योंकि पिछली मुलाकात में भी जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर गए थे, लेकिन अमेरिका में हर जगह उनकी बेइज्जती हुई। एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए अमेरिकी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, उसके बाद उन्हें मेट्रो में धक्के खाते हुए देखा गया, फिर अपने राजदूत के यहाँ उन्हें रात गुजारते हुए देखा गया, जिसको लेकर पाकिस्तान के भीतर भी इमरान खान की बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई गई थी और आलोचना की गई थी कि ये वो वही इमरान खान है जो चुनाव से पहले कहता था कि मैं भीख का कटोरा लेकर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे गले में फांसी का फंदा लगा लूँगा। लेकिन आज इमरान खान भीख का कटोरा लेकर जगह जगह जा रहा है, उसको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। एक और पाकिस्तान को झटका है चीन की तरफ से। दरअसल चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उसने ये कह दिया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक होगी उस बैठक में कश्मीर कोई मुद्दा नहीं होगा। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात में जो बातें होंगी वो दोनों नेता तय करेंगे। चीन ने कहा है कि कश्मीर हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, भारत का आंतरिक मामला है और भारत इसको जैसे चाहे वैसे सुलझाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहना है चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग का। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इस मुद्दे को यूएन की सभा में उठाने की कोशिश की थी, जहां पर यूएन के सभी देशों ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत ने जो कुछ किया है वो अपने संवैधानिक दायरों में किया है और किसी भी देश को उस पर बोलने का कोई हक नहीं है। निश्चित तौर पर चीन के जो प्रवक्ता थे और पाकिस्तान के प्रवक्ता ने उस सभा से बाहर आकर यह दावा किया था कि सभी देशों ने इस बात पर चिंता जताई है, लेकिन बाद में रसिया के प्रवक्ता ने और भारत के जो राजदूत थे उन्होंने उनकी सभी की पोल खोल दी थी और स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत ने जो कुछ किया है अपने दायरे में रहकर किया है और भारत चूंकि एक संप्रभु राष्ट्र है वो कुछ भी कर सकता है अपने संविधान के तहत। और यही बात यूरोपियन यूनियन ने भी एक सुर से कही है कि भारत वहाँ जो कुछ कर रहा है वो अपने संवैधानिक दायरों में कर रहा है और भारत को पूरा हक है पाकिस्तान के साथ सभी मामलों को अपने स्तर पर निपटाने का, यानी द्विपक्षीय तरीके से निपटाने का, और उसमें मुद्दा क्या होगा या वो पक्ष क्या है उसको स्पष्ट तौर पर भारत के रक्षा मंत्री ने और बाद में विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुलाकात या बातचीत का एक ही मुद्दा हो सकता है और वो है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की चिंता अब यही है, चूंकि इसी को लेकर पाकिस्तान के जो विपक्षी पार्टी का नेता है बिलावल भुट्टो, उसने भी कहा था करीब दो हफ्ते पहले कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पहले बात किया करते थे जम्मू कश्मीर को लेने की, लेकिन अब उन्हें चिंता करनी चाहिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को बचाने की, क्योंकि भारत इन दोनों ही जगहों पर अपना आधिकारिक हक रखता है और संवैधानिक तौर पर वो इनको वापस ले सकता है, और चूंकि यूएन का रिजोल्यूशन भी इसके खिलाफ है यानी कि भारत के पक्ष में है, तो पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर रोने की कोशिश करता है, कभी यूरोपियन यूनियन में गुहार लगाता है, कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है और कभी चाइना के कदम चूमने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना के तलवे चाटने के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चिन वांग ने भी बोल दिया है कि अब शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में जब मुलाकात होगी
वो दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर होगी, उसमें कश्मीर कोई मुद्दा नहीं होगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की स्थिति अब उस बच्चे की तरह हो गई है जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है, लेकिन जब जिन लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं वो उसके पक्ष में सारी बातें रख देते हैं तो उसकी जो हालत होती है वो पाकिस्तान जैसी हो जाती है। पाकिस्तान को आज IMF से डर सता रहा है, दूसरी तरफ FATF से ब्लैक लिस्ट होने का खतरा है, और तीसरी तरफ उसके यहाँ जो महंगाई की मार है, जो जनता की बदहाली है, वो सारी की सारी बातें अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला रही हैं। और ऐसा लगता है कि सेना वहाँ पर कभी भी इमरान खान को गद्दी से उतारकर देश की सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। जय हिंद, जय भारत।